और इसमें सेंटरस में कमांड रूम भी मौजूद है। तो असूलन मेरे हिसाब से इतला वहाँ अगर उन्होंने नहीं भी दी तो उनके सिस्टम में इतला आ जानी चाहिए थी। अब क्यों नहीं आई, क्या उसमें वजूहत नहीं, ये वहीं के लोग बता सकेंगे। लेकिन ऑन दी होल मैं समझता हूँ कि जो पोस्ट फायर एक्शंस हैं इवैक्यूएशन के, लोग इवैक्यूएट हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई उसमें नुकसान जानी सच नहीं हुआ। और वीडियो भी देखी तो उसमें मैं समझता हूँ ये लोग इवैक्यूएशन ड्रिल करते रहते होंगे, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इवैक्यूएशन एट द एंड ऑफ द डे इवैक्यूएशन हो गई, सो दैट इज द ग्रेट सक्सेस। लेकिन व्हाट हैपेंड और जो आग लगता है लेता चल रही है, लेकिन बहरहाल बड़ा इंसिडेंट था, तमाम तरफ से फायर ब्रिगेड आ गई थी। तो लेकिन इस बिल्डिंग को, इस आग को, एक लम्हे को हम भूल जाएं, दूसरी बिल्डिंग्स में अगर हम सर्वे करें, जो कि हमें करना चाहिए, कि उसी विसिनिटी में हम 10 बिल्डिंग और देखें, तो उनमें देखेंगे कि अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम अगर 10 में है तो मेरा अंदाजा शायद गलत हो कि 7 में जो है वो इनएक्टिव होगा। फॉर वन रीजन और दी अदर, लोग अलार्म एंड डिटेक्शन को डीएक्टिवेट कर देते हैं, फॉल्स अलार्म को एड्रेस नहीं करते, और पंप रूम एक जो बड़ी खराबी नजर आ रही है, जो मैं मतलब इंडस्ट्री में इधर उधर घूम रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इस जरा बिल्डिंग में जो पंप रूम है वो इस तरह से बनाया गया कि पॉजिटिव सेक्शन नहीं है, टैंक के ऊपर पंप जो है वो लगा हुआ है, और अगर फेलियर होता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप। जी जी सर, बिल्कुल आपने सही पॉइंट, पानी उठाना बंद कर देता था, उसका नट खोल के ऊपर से बॉटल से एयर ड्रॉप्स पानी। तो एक्चुअली हमें इस इंसिडेंट से ज्यादा ये है कि और बिल्डिंग्स को हम सर्वे करें, देखें। और जो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, वो गवर्नमेंट से मेरा मुराद पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, द रियल गवर्नमेंट, जो ये अथॉरिटीज हैविंग ज्यूरिसडिक्शन है, जिनकी की जिम्मेदारी है कि ये सिविल डिफेंस चीफ हैं या ये फायर चीफ हैं या ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं, इनके लेवल जो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स होने चाहिए बिल्डिंग के, टू स्प्रिट में नहीं हो रहे हैं। और इस्लामाबाद का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में कम से कम जो ऑडिटर जाता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शायद अंदर घुस के देखता भी नहीं है, लिफाफे पे सिक्योरिटी ऑफिसर उसको गेट से ही भुगता देता है। सो दिस इज द हार्ड फैक्ट। मल्टीनेशनल जो है, बड़ी कंपनीज में बहरहाल अवेयरनेस ज्यादा है, वो प्रिंसिपल्स भी उनके जोर डालते हैं, तो वहाँ अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, तो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हैं, लेकिन बाकी का बुरा हाल है। जी जी सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर आगे। आखिरी बात मैं कर दूं कि हम लोग कोई 30-40 साल से ये ट्रेनिंग अवेयरनेस ये हम कर रहे हैं, और अब आगे लगता है कि सब छोड़ो यार, बैनर लेके रोड पे खड़े हो जाओ कि भाई बिल्डिंग कोड को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम ये है कि अथॉरिटीज हैविंग ज्यूरिसडिक्शन बिल्डिंग कोड पे अमल कराए। थैंक यू सुहेल भाई, सॉरी कि टाइम लिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया। जाहिद फकीर साहब, आपसे पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कल के सिनेरियो के हवाले से, जो कल जो इंसिडेंट हुआ है, आपकी सर गहरी नजर है, और आप भी आजकल जिस जगह पे हैं माशाल्लाह बड़ा वक्त स्किल रखते हैं, तो आई थिंक आप क्लियर कर पाएंगे मजीद जो चीजें इसमें रह गई हो, या मजीद आप इसमें थोड़ा सा करना चाहें। थैंक यू सोहेल, इनफैक्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि I will relate this incident. कुछ अर्सा पहले कराची में चेज अप में एक फायर इंसिडेंट हुआ था, और उसके ऊपर भी रेजिडेंशियल घर थे। मेरा पहला तो इम्पोर्टेंट जो टेक है वो ये है कि जो ऐसे मॉल्स या ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ क्लब कर दी जाती हैं रेजिडेंशियल हाउसेस, वो हाउ अप्रूवल इज गिवन, आई नो I'm not pretty sure, but until and unless the fire fighting arrangements are there for those residential houses which were there up Centaurus, or so I don't think ke in principle jo hai hame is tarah ki buildings ka approval dena chahiye, chahe any entity is involved.
पहला तो चैलेंज है ही ये, और इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी फायर इंसिडेंट बिकॉज द वे आई हैव सीन इट ऑन सोशल मीडिया ऑन द टेलीविजन चैनल्स सीन्स दैट दिस फायर इंसिडेंट इज एक्चुअली स्टिल अनदर आई ओपनर फॉर द यू नो स्टेक होल्डर्स द गवर्नमेंट द मैनेजमेंट. और हमें बहुत काम करना है अभी फायर सेफ्टी में और रियल स्टेट वर्ल्ड में. अनफॉर्चुनेटली इट्स आई वुड नॉट इवन से कि पाकिस्तान में 1% या मे बी 5% बिल्डिंग्स हो, 1-5% जो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट के साथ फायर इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन की जाती है. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज के फूड कोर्ट्स जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी मॉल्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे फूड कोर्ट विल ऑलवेज सर्व एज द बिगेस्ट रिस्क टू फायर. और जैसा कि अपडेट आई कि मनाल रेस्टोरेंट में फायर हुआ या फूड कोर्ट में, मनाल एक जो है फूड कोर्ट का एक पार्ट था, वहाँ पे फायर हुआ. तो एक बड़ा जो सेगमेंट है, जनरली जब हम फायर इंजीनियरिंग की बात करें तो वी एक्सपेक्ट कि जब भी फूड कोर्ट इस तरह के क्लोज कन्फाइंड स्पेसेस पे बनाए जाते हैं इवन अदरवाइज, तो उनके ऊपर किचन के ऊपर जो है फायर होड, फायर सप्रेशन सिस्टम्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं. और इवन हीट सेंसर्स की भी एक लिमिट बताई जाती है. लेकिन होता क्या है कि जो स्टाफ फूड कोर्ट का उसको चला रहे होते हैं, जो ओवंस पे काम कर रहे होते हैं, जो चीज़ें बेक कर रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं, बाज़ वक़्त कढ़ाई में बना रहे होते हैं, तो दे डोंट एक्चुअली रियलाइज के अगर जो है उनकी थोड़ी सी भी फोकस आउट हुआ वाइल कुकिंग, तो इट कैन एक्चुअली दिस ऑयल कैन टर्न इनटू अ फायर. और अगर उन्होंने सप्रेशन सिस्टम या डिटेक्शन सिस्टम या जो बाकी उनके जो कंट्रोल्स हैं उन सबको बाईपास किया हुआ, इसलिए कि प्रोबेबली दे वांट टू क्विकली हीट इट अप एट अ हायर टेम्परेचर्स, तो देन इट टर्न्स इनटू फायर. और फिर जब वो फायर होता है, हाउ वेल ट्रेन्ड आर दे इन डीलिंग विद दैट, हाउ क्विकली दे कैन एक्चुअली गेट टू एक्सटिंग्विशर्स, या उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारे फूड कोर्ट्स वाले स्टाफ हैं, चाहे वो किसी भी वॉल में चले जाएं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट दैट वेल ट्रेन्ड. अच्छा, जो दूसरे लोग हैं, लेट्स से कि जो मैनेजमेंट होती है मॉल की, चाहे वो कोई भी मॉल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके अंदर जो फायर फाइटर्स का वाला पार्ट है, मैंने कल भी एक आर्टिकल शेयर किया, पोस्ट शेयर की, कि अनफॉर्चुनेटली होल पाकिस्तान में एक तो बहुत बड़ा लोगों ने ये कॉन्सेप्ट मिथ लेकर आ गए हैं कि लाइन मैनेजमेंट, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर फाइटिंग, एवरी पर्सन शुड नो फायर फाइटिंग. तो होता क्या है, इस मिथ की वजह से जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ने हायर करने छोड़ दी. अब यू आर ट्रस्टिंग ऑन पीपल जिनका जो प्राइमरी काम है वो कुछ शायद ऑपरेशंस होगा मॉल का, उसका सिक्योरिटी होगा, उनका प्राइमरी काम जो है किसी प्लांट का ऑपरेशंस होगा. तो जब क्राइसिस टाइम आता है वो अपने ऑपरेशनल डाउन टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, वो उस चीज को भी, और साथ उनको फायर फाइटिंग भी करनी होती है. तो आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कि पाकिस्तान में एक बहुत रूथलेस लॉ की जरूरत है, जो ये बावर कराए, जो पाबंद करे ऑर्गेनाइजेशन को कि दे शुड एक्चुअली हैव कीपिंग इन व्यू द फायर रिस्क, फायर कंसल्टेंट्स, फायर उनको देखते हुए कि कितना मैंडेटरी स्टाफ है जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स की जरूरत. जी जी, लगता है शायद अपना जाहिर साहब की नेटवर्क इशू हो रहा है टेक्निकल, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ और सारी रिकॉर्डिंग वो हो गई है. जी शाहिद साहब, आपका थोड़ा एनालिसिस लेना चाहेंगे. जी जी प्लीज. जी शाहिद साहब, ये थोड़ा बताइएगा कि लाहौर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये जो रिसेंटली आग लगी थी आईटी सेंटर में, एक बिजनेस सेंटर था आईटी का, वहाँ पे भी आग लगी थी, आप वहाँ पे गए थे, इसने अभी देखा था, तो उसका थोड़ा सा हवाला बता दें. जाहिद साहब हमारे साथ बन सके आगे लाइन पे. जी सर, आप सुन सकते हैं हमें? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ सर. मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक प्रोफेशनल फायर फाइटर्स को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे,
जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल फायर फाइटर्स हायर नहीं करना शुरू करेंगे तब तक हम चाहे जितने मर्जी सिस्टम लगा दें। अच्छा, सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो तारिक साहब ने भी कहा पाकिस्तान में लेट्स से कि अगर 1000 बिल्डिंग्स हैं टोटल, तो उन 1000 में शायद एक या दो बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम है। तो अगर फायर फाइटिंग सिस्टम जितना मर्जी हो, इट्स अल्टीमेटली अ सिस्टम, इट इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम जिसके फेल्यूर्स भी होते हैं, जिसके क्राइसिस टाइम भी आते हैं। अगर आपकी टीम ट्रेंड नहीं है तो जितना मर्जी महंगा सिस्टम आप लगा लें वो सिस्टम बेकार है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी निगाह में आई थिंक दिस इज एन आई ओपनर इंसिडेंट। अल्लाह ने करम किया कि कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई। आई एम श्योर कुछ ना कुछ बर्न इंजरीज हुई होंगी, बोथ सम टाइम डोंट कम टू द सरफेस, लेकिन एसेट्स का बहुत बड़ा नुकसान है, बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान है। और इस ये उस वक्त तक हम दुरुस्त हिम्मत में नहीं जाएंगे जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि नॉट ओनली द सिस्टम्स, द फायर इंजीनियरिंग, द डिजाइन इंजीनियरिंग, बट ऑल्सो द राइट पीपल फॉर फायर फाइटिंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर, जबरदस्त, आपने सही इसको हाईलाइट किया। सर साहब का आपका कंक्लूजन ये था कि कॉम्पिटेंट पर्सन और फायर फाइटर हमें स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जो सिस्टम को देखें, ना सिर्फ वो खानापुरी वाला सिस्टम ना होना चाहिए बल्कि वाकई में ही कुछ नजर आए और वाकई में ऐसे लोग हों जो सिस्टम को सही तरीके समझते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करें और निगरानी करें और वो बर वक्त फायर या कोई ऐसे इंसिडेंट में अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स अदा के इस चीज को मैकनाइज किया जाए। जी शाह साहब, आप अपना बताइएगा पॉइंट ऑफ व्यू। रिसेंटली लाहौर में भी हादसा हुए थे, आईटी सेंटर में गालिबन हुआ था एक आग लगने का वाकया, तो वहाँ पे भी आपने क्या देखा था, इस तरह की सिनेरियो था, या वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है 1122 केसेस से, आप क्या देखते हैं चीज़ों को कि आग लगने की बुनियादी वजूहत क्या होती है, या सिस्टम फेलियर होता है, या फिर डिजाइन फेलियर होता है, या फिर बंदों को पता ही नहीं होता, या सिस्टम वो रिक्वायर नहीं होता जहाँ पे वो बिल्डिंग्स में लगाई जाती। जी शुक्रिया दीपक भाई। अच्छा, पहले तो आ रही है बात? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, आप फरमा रहे थे आईटी सेंटर वाला मामला। आईटी सेंटर में बेशुमार दफा जाने का हुआ, वही जो हफीज सेंटर की आप बात करें, इसी तरह हमारे पास दो बड़े आईटी सेंटर है, हफीज सेंटर और हार रोड। सेम वही जो अभी जाहिर साहब फरमा रहे थे कि सेफ्टी नॉलेज की कमी, हम लोगों में जो सेफ्टी पे हम वर्क ही नहीं करते, इवन के हमारे अदारे जो गवर्नमेंट अदारे वो भी नहीं करते। बल्दिया टाउन में जैसे आपके फायर केस हुआ था, इसी तरह एक फायर केस हुआ था इधर लाहौर शाहदरा में उसी उन्हीं डेट में। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी हुई है कि उस वक्त के डीसी थे, वो नाम देने से निकल बूटा उनका नाम था, उन्होंने काफी इस पे वर्क किया और रेस्क्यू 112 डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 112 के साथ मिलके जो नई बिल्डिंग बन रही है ना उसके लिए उन्होंने अप्रूवल ही नहीं मिलती। अब जो नई बिल्डिंग बनती है उसके लिए अप्रूवल नहीं मिलती जब तक रेस्क्यू 112 उस पर पूरा सर्वे नहीं कर लेता अपना, वही फायर सेफ्टी से रेलिवेंट हाइड्रेंट सिस्टम, होज लाइन और स्प्रिंकल सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो हमारी जरूरी बुनियादी चीज़ें हैं फायर सेफ्टी के लिहाज से। तो ये एक अच्छी खूबी कह लें कि लाहौर में एक अच्छी है, अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी वही बात है कि हम चाहते हैं, जाहिर साहब जैसे फरमा रहे थे कि हम पैसे नहीं पे करना चाहते। मेरा मैंने जो ऑब्जर्व किया है प्राइवेट साइड जो हमारे प्लाजे वगैरह हैं उनको होता है कि 30-40 हज़ार या 50 हज़ार हम इस बंदे को क्यों दें, एक एक्सपर्ट आदमी को क्यों दें, तो वही हमारा सिस्टम लग गया है, बस ठीक है हमने अपना काम कर लिया। भाई उसको चलाना कितने हैं, ये बात तो है ना कि चलाना कितने हैं, चलाने के लिए कोई ट्रेन स्टाफ होगा तो वही ना। अब एक शिफ्ट में बंदा रख लेते हैं, अदारों को हाईलाइट बता देते हैं कि जी हमने ये एक एक्सपर्ट आदमी रखा हुआ है। जैसे अक्सर हमारे कुछ रेस्क्यू स्टाफ भी प्राइवेट करते हैं या कुछ और दोस्त हैं तो वो करते हैं, तो वो शो करवा दे, जबकि इवनिंग और नाइट में कौन होगा अगर उस टाइम पर। और आपको पता है कि फायर इंसिडेंट सबसे ज्यादा नाइट में होते हैं, जिसमें क्या वजह क्या होती है, शॉर्ट सर्किट ज्यादा शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है कि उसमें वही प्लग नहीं लगा, प्लग लगा ही छोड़ देते हैं, प्रॉपर स्विच ऑफ नहीं करते, इस तरह की ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इस वजह से फायर इंसिडेंट होते हैं। अब आ जाए कि ये आई टी सेंटर, माशाल्लाह आई टी सेंटर अगर हम जाए ना इधर हफीज सेंटर की जो आप बात करें और उसके साथ ही पेस है, पेस में भी ये पिछले दिनों आईटी सेंटर के बाद फेस में भी फायर इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे जनाब आप अभी भी देखें, यानी कि दो दफ़ा फायर इंसिडेंट होने के बावजूद भी वही तारें जो है ना ऊपर ऊपर से जा रही हैं, इसी तरह लटक रही होती हैं,
बेहंगम होती हैं, कोई उनका सिस्टम नहीं होता। और मैं समझता हूँ जो आईटी सेंटर ही सेंटर में हुआ है ना फायर इंसिडेंट, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि प्रॉपर उसका कोई निज़ाम नहीं है, कोई स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है, कोई वहाँ पे कुछ नहीं है। जी शाह साहब, आपका उसके बाद जाना जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। जाय साहब आपकी तरफ आते हैं दोबारा। इसमें सर मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि ये जो फायर फाइटिंग की आपने बात की कि कॉम्पिटेंसी नहीं है, बंदे वो जो रखते हैं वो ट्रेन नहीं होते या फिर वो एक ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को, कैसे टैकल करेंगे, अगर आपकी रिकमेंडेशन इस हवाले से क्या होनी चाहिए। कल भी मैंने फुटेजेस देखी तो उन फुटेजेस में वाजे तौर पर लग रहा था लोग पैनिक थे और जो स्टाफ था वो सही तरीके से एविकेट नहीं कर पा रहा था। तारिक मुन साहब ने भी कहा कि वो जो ना एविकेट स्मूथली होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो मैं इससे एग्री नहीं हूँ क्योंकि वो एविकेट स्मूथली नहीं हुआ। उसकी बड़ी बुनियादी वजह थे लोग पैनिक थे, शोर कर रहे थे, आवाजें कर रहे थे कि हम कहाँ से निकले, सैनिजेस का भी इशू था, कुछ पाथवेज क्लियर नहीं थे, कुछ मतलब ऐसा कुछ सिस्टम नजर नहीं आ रहा, या किसी ने हाईलाइट ही नहीं किया कि इसको ऐसा होना चाहिए कि इमरजेंसी में हमें बर वक्त जरूरत ये काम आए। इसमें सोहेल ऐसा है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी चले जाएं, यूरोप में भी चले जाएं, जहां पे भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं या पब्लिक मॉल्स होते हैं, वहां पे इमरजेंसी रिस्पांस और एवैक्यूएशन विल ऑलवेज रिमेन अ चैलेंज। मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि जहां पे हजारों लोग और इस तरह के एरियाज पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पे स्टैम्पीड और ये सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस रहते हैं। अच्छा, इन चैलेंजेस को डील करने का जो बेस्ट तरीका है, यू हैव टू एक्चुअली एजुकेट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर योर रेगुलर कस्टमर्स। तो मॉल्स में बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम एवैक्यूएशन ड्रिल्स नहीं करते, बहुत कम करते हैं, एक जिसे कहते हैं कि साल में कोई एक दफ़ा कर देंगे और वो भी जो है बस आधे घंटे की, उसका पर्पज़ सिर्फ ये होगा कि हम कुछ अथॉरिटीज को दिखा सके कि हमने ड्रिल की है। जबकि मुझे लगता है कि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, नंबर वन अपनी जो टीम है फायर फाइटर्स की और रेस्क्यूअर्स की और एवैक्यूएशन की जो मॉनिटर कर रहे होते हैं, मेंटोर कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को,